चलो शुरू से पढ़ते हैं आवर फूड वाले, ठीक है। आवर फूड, आवर फूड का मतलब क्या होता है, चलो ये बताओ। हमारा खाना, हमारा फूड जो हम खाते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे मिल्क हो गया, जूस हो गया, पराठा हो गया, सैंडविच हो गया, ग्रीन सलाद हो गया, फ्रूट, ड्राई फ्रूट हो गया, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हम खाते हैं वो हमारे फूड हो गए। अब इसमें वर्ड मीनिंग है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोक अप, सोक अप। कभी भी कोई भी पानी जैसे गिर गया, नीचे गिर गया, उसको क्या करते हैं, कपड़े से पोंछ लेते हैं। तो कपड़े में क्यों आ जाता है पानी, क्योंकि कपड़ा जो है कॉटन का बना होता है, क्योंकि कपड़ा जो है वो पानी को सोख लेता है, सोक अप, पानी को सोख लेता है, ठीक है। उसको हम जैसे कि है पेन है हमारे पास, पेन से क्यों नहीं पोंछते पानी को, क्योंकि पेन पेन सोख नहीं कर सकता, पेन उसे नहीं सोक अप करने कर सकता। तो उसको उसी चीज से सोक अप करते हैं जो उसको कर सकता है, जैसे कॉटन हुआ, कॉटन का कपड़ा क्या होता है, पानी को सोक अप कर लेता है। तो एब्जॉर्ब मतलब सोक अप। फेवरेट, लाइक द मोस्ट, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, तो उसको क्या बोलते हैं, फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है। प्रोड्यूसर, समवन हु मेक गुड टू सप्लाई देम, समवन who make goods to supply them, किसी भी चीज को वो produce करना, supply करना, ठीक है। Muscles, the part of a body, हमारे body का जो parts होता है, जो भी part है सारे, उसको क्या बोलते हैं, muscles बोलते हैं। अब our food में है सबसे पहला heading source of food, source of food क्या होता है, healthy food, source of food होता है कि हमें food कहाँ से मिलता है। पहले सुनो क्या चीज बोल रहा हूँ, सोर्स ऑफ फूड, बिना सुने ही अगर जवाब दोगे ना तो ऐसे ही जवाब आएगा तुम्हारा, हेल्दी फूड, फलाना फूड। पहले सुनो कि क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड मतलब फूड कहाँ से आता है, सोर्स किस जगह से फूड आता है, फूड आता है हमारे प्लांट से, फूड से आता है एनिमल से, प्लांट से, जैसे हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, राइस, ऑयल, ये सब चीज हमें प्लांट से मिलता है। फिर एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, चीज मिलता है, कर्ड मिलता है, घी मिलता है, एटसेट्रा एट मीट, ठीक है। फूड गिव अस एनर्जी टू प्ले एंड स्टडी, इट बिल्ड आवर मसल्स एंड हेल्प अस टू ग्रो। फूड जो है हमें एनर्जी देता है, किस चीज के लिए, जो हमें ताकत देता है, हमें खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, हमें फूड एक एनर्जी देता है। सोर्स ऑफ फूड समझ में आ गया। अब हेल्दी ईटिंग हैबिट, हेल्दी ईटिंग हैबिट, ये एक हैबिट है जो कि हमें बनाना चाहिए हेल्दी ईटिंग हैबिट के लिए। तो उस हेल्दी ईटिंग हैबिट में क्या क्या आता है, सबसे पहले ईटिंग ऑन टाइम, हमें हमेशा टाइम पे खाना चाहिए, हमें हमेशा टाइम पे खाना खाना चाहिए। तो ये एक हेल्दी ईटिंग हैबिट, मतलब हम जो खाना खाते हैं अगर हम उसको प्रॉपर टाइम से खाएंगे तो वो हमारे लिए हेल्दी ईटिंग है होगा। हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट, जब भी हम खाना खाएं एकदम बैलेंस खाना खाएं कि हाँ हमें इतना ही खाना खाना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा जितना मिला अच्छा लग रहा है चिप्स 10 पैकेट खा लिए एक साथ, तो वैसे नहीं खाना है, मतलब खाना भी खाना है तो थोड़ा बैलेंस में खाना है। कुछ चीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही है तो पता चला कि वो खाते रहे ऐसा नहीं, ठीक है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी बहुत जरूरी है हमें हमारे शरीर के लिए, तो हमें पानी भी उसी मात्रा में बैलेंस पीना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने आज एक गिलास पिया और हो गया हमारा पूरे दिन का। तो हमें प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर इंटरवल पे, और जब प्यास लगे तो हमें पानी पीते रहना चाहिए। ईटिंग फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमेशा फ्रेश और क्लीन मतलब साफ सुथरे फूड खाने चाहिए। जो हम जाते हैं ना बाहर समोसा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, टिक्की खाने के लिए, तो वो नहीं खाने, हमें सिर्फ हेल्दी और साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। वॉशिंग हैंड बिफोर
एंड आफ्टर मील, जब भी हम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें धोना चाहिए। चुइंग योर फूड प्रॉपरली, अपने खाने को हमेशा चबा चबा के खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ टेस्टी लग रहा है तो हवाड़ा वड़ा फटाफट खा लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये किस क्या है? हेल्दी ईटिंग हैबिट। हम जो खाना खाएं वो हमारे लिए हेल्दी हो, तो उसके लिए हमें एक हैबिट बनानी चाहिए, जो कि हमें अभी बताया मैंने। तो ये जो हैबिट हम बनाएंगे तो उससे हमारा खाना हमारे लिए हेल्दी साबित होगा। टाइप्स ऑफ फूड, अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरीके के फूड, अलग अलग तरीके का खाना। तो सबसे पहले आता है हमारा एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड, जो फूड हमें एनर्जी देता है, जो फूड हमें एनर्जी देता है। हम रोज बर्गर या पिज्जा ये खाएंगे तो हम नहीं ले पाए जाएंगे, तो इसीलिए हमारे लिए कुछ एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं जो कि हमें रेगुलर खाने चाहिए। द फूड इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रेजेंट इन इट। Food gives us energy, both essential for our body function. Cereals like rice, wheat, oat, maize have carbohydrates. Rice में, wheat में, oats में, maize में have उसमें carbohydrates होते हैं। हमारे energy देने वाले foods में क्या होता है? Carbohydrates और fat. सबसे पहले ये याद करो कि हमारी जो हमें जो energy देता है food, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। फैट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट अभी तुम्हें नहीं समझ आया, अभी ये समझो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, ठीक है? और फैट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होने चाहिए उसमें। अभी इस चीज को याद कर लो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आगे जाके कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ोगे कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या होते हैं फैट्स। फैट्स हमारे किस में होता है? पनीर में होता है, घी में होता है, इन चीजों में फैट होता है, चिकनापन, चिकनाई। और कार्बोहाइड्रेट हमारे राइस में, पल्सेस में, मेज में, ओट्स में, वीट में, इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में तो पता है कौन सा होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग। अब नेक्स्ट, पहला हमने पढ़ा एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी देता है डे इन डे आउट की एक्टिविटीज को करने के लिए। हम डेली जो स्कूल जाते हैं या फिर हम खेलने जाते हैं या फिर हम घर पे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं, तो उसके लिए एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ये दो फूड जो फूड के अंदर होते हैं, जिन फूड्स के अंदर होता है, वो फूड हमें एनर्जी देते हैं। समझ आया? एनर्जी देते हैं डे इन डे आउट की एक्टिविटी के लिए। अब हम पढ़ते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारे शरीर के मांस बढ़े, जिससे हमें ग्रोथ हो, जिससे हमें ग्रोथ हो, जिससे हमारे शरीर का ग्रोथ हो, तो वो होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन फूड दैट आर रिच इन प्रोटीन हेल्प टू बिल्ड आवर बॉडी। जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है वो हमारे शरीर को बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो हमारी जो शरीर जो बनता है, हमारा जो ग्रोथ होता है, वो प्रोटीन जिस आइटम में ज्यादा होता है वो हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। जैसे पल्सेस, दाल हैविंग हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, दाल में, ठीक है, पल्सेस में मुझे पता है क्या होता है। दाल और पल्सेस एक ही होता है, दाल या फिर पल्सेस। We must include them in our daily life. हमारी daily life में दाल को must include करना चाहिए ताकि हमें protein मिले, हमारे शरीर को growth हो। अभी हमने पढ़ा energy giving foods, दूसरा पढ़ा beauty building food, body building foods, body building foods। दो तरह के foods पढ़ लिए हमने। बॉडी एनर्जी गिविंग फूड्स में कार्बोहाइड्रेट फैट होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स में प्रोटीन्स होता है जो हमारे ग्रोथ के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट फैट जो एनर्जी वाले होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं एक्टिविटी के लिए। अब हम होते हैं प्रोटेक्टिव फूड।
प्रोटेक्टिव फूड दैट गिव अस विटामिंस एंड मिनरल्स, विटामिंस और मिनरल्स देते हैं हमें. प्रोटेक्टिव फूड दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज, जैसे इसका नाम है प्रोटेक्टिव फूड्स, वो हमें डिजीज या बीमारियों से या कुछ जो इल होने से हमें बचाते हैं. तो उस तरह के जो फूड होते हैं उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड में क्या होता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये फूड कौन से होते हैं? वेजिटेबल. वेजिटेबल्स जो होते हैं उसमें ये बहुत पाया जाता है. ठीक है. तो ये हमारा हो गया आवर फूड.